सभी को मेरा नमस्कार। आज वर्ल्ड एंटी ड्रग डे है। इस अवसर पर हम लोग रैली निकाला सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आज हम मौका मिला मुझे कुछ कहने का लोगों के बीच, तो मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। एक तो है, देखिए हम लोग पुलिस है, पुलिस की तरफ से जो जो करना जरूरी है एक ड्रग का जो मिनास है उसको ख़त्म करने के लिए, हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग रेगुलर रेड करते हैं, पकड़ते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन ये सब सफिशियंट नहीं है। जो ये है एक सोशल मिनास, मतलब ये सोशल एक समाज का बीमारी है। इसको कार्प डाउन करने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। कैसे आप लोग आ सकते हैं? पहले तो आप लोग ही हम लोगों का जो आँख और कान है, आपको खबर देना पड़ेगा जो यहाँ अब्यूज़ हो रहा है, यहाँ सेलिंग हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आता नहीं है ऐसा फ़ोन मेरे पास आज तक तो मेरा 2 साल हो गया, एक भी फ़ोन नहीं आया कि यहाँ ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, हाँ आप पकड़िए, ऐसा कुछ आता नहीं है। आप लोग कॉल कीजिए, खबर दीजिए थाना को मुझे, हाँ तो हम लोग क्या कर सकते, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते। एक दूसरा चीज़ है कि देखिए ड्रग तो जब आदत लग जाता है ड्रग का, तब तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका तो एक शुरुआत होता है। मतलब पहला दिन एक बच्चा ड्रग ले रहा है, इसका एक शुरुआत तो ज़रूर है। ये शुरुआत हमको पता नहीं चलेगा, मतलब पुलिस को पता नहीं चलेगा, ये शुरुआत फैमिली मेम्बर्स को ही पता चलेगा। तो फैमिली मेम्बर्स को भी आगे आना पड़ेगा कि इसको जो बुरी दोस्त है जो उसको आदत में डाल रहा है तो उससे छुड़ाना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा कि ड्रग ले लिया तो तुम निकल जाओ, हाँ तुम हमारा कोई नहीं लगते हो, ऐसा कुछ नहीं, उसको प्यार देना पड़ेगा, प्यार देकर समझाना पड़ेगा। इसका प्रॉपर मेडिकेशन है, डॉक्टर्स है, एनजीओस है बहुत सारे, उनके साथ संपर्क किया जा सकता है, हमारे साथ भी संपर्क किया जाता है, हम लोग भी एनजीओ के साथ या फिर डॉक्टर के साथ मुलाकात करवा देंगे। तो लेकिन आगे आना पड़ेगा, जो कॉमन पीपल है उनको ही, फैमिली मेंबर्स है उनको ही आगे आना पड़ेगा। तो एक तो हो गया, मैं फिर से समाप्त करता हूँ, एक तो खबर देकर जो यहाँ ड्रग का धंधा हो रहा है, यहाँ ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, तो ऐसा खबर पुलिस को देना पड़ेगा, तो भी हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, एक बात है। और दूसरा है जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स को ही जो ड्रग के लाल एडिक्शन में आ गया है उसको प्यार देकर, उसको समझा कर, उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसका जो सोशल रिफॉर्मेशन है वो करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे एकर्षण बिजनेस कम्युनिटी एनजीओ यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज एंटी ड्रग इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है और इसको हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस माहौल पे भी कर रहे हैं। इसका कारण है कि बाहर में ड्रग्स का जो सेवन है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, हम लोग भी इसको लेके हर टाइम परेशानी रहते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं इसको कितना ढंग से हम लोग बंद कर पाए, लेकिन ये जो दिन है इस दिन का पालन करने का एक ही कारण है कि सब में जागरूकता लाए, अवेयरनेस सबके अंदर में जाए। जैसे एनजीओस भाई बोल रहे थे कि माँ बाबा सोसाइटी सबको इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले से ही, ये शुरू कब होते हैं, एक बच्चा कब ये ड्रग लेना शुरू करते हो, देखते हैं किसी को कॉपी करते हैं, जब कॉपी करते हो उसको वो एक हीरोइक इमेज उसके सामने में आता है कि जो ड्रग लेता है वो चाहता है मैं इसको कॉपी करूँ। हर कोई इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो भी संख्या में कम नहीं है, बहुत ही होते हैं। तो जो पहले शुरू करते हैं उसको देख के कि अरे बापरे बापरे तो हीरो जैसा दिख रहा है एकदम, लेकिन धीरे धीरे जब इसका आदत पड़ जाते हैं तब पहले वो छोटा मोटा क्राइम शुरू करते हैं। पैसा तो चाहिए, पहले तो भैया जो उसको आदत दिलाया था वो तो फ्री में दे देता है, उसके बाद उसको जब लग जाता है वो कोशिश करते हैं छोटा मोटा ये सब क्राइम करना शुरू करते हैं, पहले घर से शुरू करते हैं, फिर सोसाइटी में उसका बिस्तर हो जाते हैं, फिर इसका घर में उसका दुकान में ये सब चोरी करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जितना सारा चोरी का केस पकड़ते हैं उसका बाहर में देखा है एटलीस्ट 70-80% जो जिसको पकड़ते हैं वो ड्रग्स का आदत है उसका, और हम लोग इसको लेके परेशान सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमारा हर एक जो
इंटरनल मीटिंग्स होते हैं पुलिस वाला डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बहुत अहम हिस्सा रहते हैं पहाड़ में कि हम लोग इसको कैसे कर्व डाउन करें, इसको बंद कैसे करें। तो हम लोग अपना ढंग से पूरा कोशिश कर रहे हैं, बहुत केस भी हम लोग बना पिछले कुछ महीने में बहुत केस बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो सोसाइटी का समाज है, व्यवसायी लोग हैं, एनजीओस है, हर एक पेरेंट्स है, हर एक बच्चा है कि इसको कॉपी मत करिए, बहुत ही खतरनाक है, उसका एंड इतना ख़राब है। हम लोग जब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं देखते हैं उसको रखना कितना मुश्किल हो जाते हैं, उसको अस्पताल में लाना पड़ता है, फिर उसको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, फिर हम लोग उसको लॉकअप में बंद कर पाते हैं, इतना कष्ट होता है उसका। वो जो आदत पड़ गया वो जानते हैं कि इसके बिना कितना कष्ट है, इसलिए इसका आदत छोड़ना भी बहुत कठिन होते हैं। दूसरा अहम बात है, ये एक बड़ा जुर्म है, हम पुलिस में है इसलिए ये भी एक जैसे अवेयरनेस कर रहे हैं ना, तो कुछ कानून का भी बात बोल देते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक इसके अगेंस्ट में बहुत सारा केसेस है, एक्ट है, जैसे सबसे बड़ा केस है आपका NDPS एक्ट, ये बहुत ही मतलब खतरनाक एक एक्ट है जिसमें आदमी बंद होते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, और ऐसे बहुत सारा एक्ट्स है जिसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि पहाड़ का कोई भी भाई दादा या कोई इसमें हम लोग उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने का जरूरत पड़े। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से हम लोग आगे का दिन में ड्रग के खिलाफ में सब मिल के लड़ाई करेंगे और कर्शियांग को ड्रग मुक्त करेंगे, ये अंगीकारवाद होते हैं, और इसको बोल के हम आज बंद करते हैं। थैंक यू दीदी बहनी, आजा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस को उपलक्ष्य में यहाँ खरसांग पुलिस द्वारा आयोजित इसमें तपाईं सबलाई स्वागत छ। खरसांग व्यवसायी संगठन को तरफ बड़ा तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले यदि हाम्रो समाज हाम्रो परिवार बचाउनु हो भने हामीले ड्रगलाई बाई बाई गर्नै पर्छ। यो एउटा यस्तो बिमारी आएको छ, यस्तो जड पक्रेको छ, हाम्रो नानीहरूले यस्तो यसमा पढिसकेका छन्, यसलाई हामीले बचाउनै पर्छ। आज यो ड्रगले गर्दाखेरि कतिवटा परिवारहरू खतम भइसकेका छन्, नानीहरूको भविष्य तुरेर गएको छ, र म हामी सबै एक भएर यो पुलिसको जुन चाहिँ मुहिम छ यसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, र ड्रगलाई कुनै पनि यदि ड्रग हामीले पायौँ कसैले सेवन गर्छ भने त्यसलाई तुरन्तै हामीले पुलिससँग सम्पर्क गरेर त्यसलाई एउटा उचित बाटोमा ल्याउने काम गर्नपर्छ। हामी सबै मिलेर समाजलाई, परिवारलाई, देशलाई बचाउनु हाम्रो नितान्त आवश्यक छ। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ तुर्दछ। धन्यवाद धन्यवाद। र हामी अब यहाँ हाम्रो चाइल्डलाइन पर्सनको दिदी दाजु को हुनुहुन्छ, हामी नेचर फ्रेन्डको द्वारा यहाँनिर आइरहेको छ। एन्टी ड्रग्स जुन चाहिँ यहाँनिर अहिले कर्सियङमा धेरै फैलिरहेको छ, सानो सानो नानीहरूले पनि खाइरहेको छ, त्यसमा हामीले त्यो देख्दाखेरि हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ कि अब सानो सानो नानीहरूले खाइरहेको छ, ठुलोहरूले खाइरहेको छ, र हामी जुन चाहिँ युथहरू अहिले अगाडि आइरहेको छौँ, हामी नै हो यिनीहरूलाई सुधार्नु सक्नुपर्ने। हाम्रो प्रशासनले साथ दिइरहेको छ, सबैले साथ दिइरहेको छ, हामीले यो कुरालाई जुन चाहिँ एन्टी ड्रग्स या ड्रग्सहरू खाइरहेको छ यिनीहरूलाई बाइकट गर्ने नै पर्छ। हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटी सुधार्न लागि यिनीहरूलाई बाइकट गर्ने नै पर्छ। र यहाँनिर हाम्रो बजारमा यसमा जो जसले ल्याएर दिन्छ उनीहरूलाई प्रशासनहरूलाई त्यसै पनि अब कतिजनालाई पक्रिरहनु भएको छ होइन, जुन चाहिँ यो आउँछ यहाँनिर त्यो नै हामी सबभन्दा पहिला बन्द गर्नुपर्छ, तब हाम्रो यहाँनिर बजारमा अलिकति भए पनि शान्ति हुन्छ। र यसमा है सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँनिर एन्टी ड्रग्समा सबैजना आइदिनु भएको छ, आज हामीले यो एन्टी ड्रग्स डेको निकालेको छौँ, र ड्रग एब्युज धेरै मात्रामा बढिरहेको छ, र यसरी नै हामीले एउटा यसलाई रोकथाम गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, र चाइल्डलाइन त यसमा छँदैछ, र अरू एनजिओहरू पनि। एउटा मेरो व्यक्तिगत विचार के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रग्सलाई रोक्नु लागि चाहिँ एउटा हामीले स्ट्रङ अझै एउटा एनजिओ फोरम अनि भिजिलेन्स कमिटी बनायो भने चाहिँ द्याट वुड बी बेटर। थ्याङ्क यू। यो एन्टी ड्रग्स डेमा
भनौँ भने खरसाङमा मात्रै होइन पुरा दार्जिलिङ कालिम्पोङ पुरा हिल्समै यो पुरा फैलिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि पुरा एनजिओले पनि साथ दिन्छ, तर एनजिओले खालि गरेर चाहिँ भएन, गाउँ समाजले पनि हेर्नु पऱ्यो, आफ्नो घरमा पनि हेर्नु पऱ्यो, बाबुआमाले पनि यसको पुरा गाइडेन्स गर्नु पऱ्यो, अनि हरेकले यसको याद गर्नु पऱ्यो। मेन चाहिँ हाम्रो युथहरूले जति गाउँमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ ठुल्ठुलो, उहाँले पनि अलिकति देखरेख गरेर अलिक स्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हो। अनि जहाँ जहाँ ग्यादरिङहरू हुन्छ, बेपत्तामा ग्यादरिङहरू हुन्छ, त्योतिर नगरिदिने अरू। अनि जहाँ जहाँ यहाँ सिक्रेट धरी खास बजार बिचमा तान्नु नदिने, यही अनुरोध गर्छु सबलाई, धन्यवाद। कर्सन व्यवसायी सङ्गठन अनि नेचर फ्रेन्डका साथीहरूले सहयोग गरेका छन्। जस्तो पाराले है पाहाडमा तपाईँको होइन निकै ड्रग्स डिलरहरू पनि बढिरहेको छ है, ड्रग्स लिनेहरू पनि बढिरहेछ है, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई त अब हामीले चाहिँ अब पहिलासँग चाहिँ चिन्नु पऱ्यो राम्रोसँग है, कसरी चाहिँ आउँदैछ अब यहाँ चाहिँ होइन, अब कर्सियङमा कसरी आउँदैछ, कहाँबाट ल्याउँदैछ, को कोहरूले चाहिँ खाँदैछ, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले भन्दा हामीले त अब गर्ने नै छौँ त्यो कुराहरू है, तर पनि अब यसो गाउँको घर छिमेकीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति याद गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने अब यो त खालि एनजिओले मात्रै गर्ने काम त होइन, किनभने अब यो त चाप्पा चाप्पामा फैलिसकेको चिजहरू हो है, त्यसैले गर्दा अब सबैले नै यसलाई चाहिँ अब अलिकति सिरियसली लिएर कसैले देखेको मात्रामा भने यसो इन्फर्म गरिदिइहाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। तर अब जो जसले चाहिँ अब अहिले खानुहुँदैछ तिनीहरूलाई चाहिँ अब यही नै भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन है, यो चाहिँ स्लो पोइजन हो, यसले चाहिँ अब आफूलाई मजा दिएर चाहिँ घरलाई चाहिँ अशान्ति बनाउँछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्लिज हाम्रो तरफबाट अब हाम्रो कर्सियङको तरफबाट चाहिँ प्लिज यो कुरो चाहिँ राम्रो होइन, यसलाई चाहिँ छोडेकै नै राम्रो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छौँ उनीहरूलाई है, एउटा रिक्वेस्ट पनि छ हाम्रो तरफबाट, त्यति नै हो, हुन्छ। यसमा भागिदारी दिने हाम्रो संस्थाहरूमा गोमेन्ट एनजिओ ड्राइभर एसोसिएसनको लागि तपाईँ सबै सबैलाई धन्यवाद छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सर हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ ग्राउन्डलाई के सम्बोधन गरिदिनु हो भने हामी उहाँलाई फोन गर्दछौँ। Thank you.